हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। गाइस, आज मैं आपके साथ बहुत ही सिंपल मेकअप लुक क्रिएट करने वाली हूँ, विदाउट फाउंडेशन, विदाउट कंसीलर, कि आप मेकअप कैसे कर सकते हैं। अगर आपके पास मेकअप का ज़्यादा सामान नहीं है तो भी आप आसानी से मेकअप कर सकते हो। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो गाइस, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम लगाएंगे एलोवेरा जेल। अगर आपके पास प्राइमर हो तो आप उसे भी लगा सकते हैं, या फिर आप एलोवेरा जेल की जगह मॉइस्चराइजर भी लगा सकते हैं। लेकिन आपको मेकअप से पहले आपको या तो जेल या फिर प्राइमर या फिर आपको मॉइस्चराइजर ज़रूर लगाना चाहिए। बस अच्छे से लगा लेना, इससे क्या होगा ना, मेकअप बहुत ही अच्छे से निखर कर आएगा। इसके बाद गाइस, मैंने यहाँ पे लिया है लैक्मे की सीसी क्रीम, क्योंकि गाइस मैं यहाँ पे फाउंडेशन और कंसीलर यूज नहीं कर रही हूँ। गाइस, ये लैक्मे सीसी क्रीम ना फाउंडेशन और कंसीलर दोनों का काम करता है। बहुत ही अच्छा फाउंडेशन ये होता है हमारी स्किन के लिए। बस ये अच्छे से फिंगर की हेल्प से हमें डिप करते हुए पूरे स्किन पर लगा लेना है। गाइस, जैसे मैं लगा रही हूँ ना, इसी तरीके से अच्छे से लगाना है। इसके बाद गाइस, मैंने यहाँ पे ब्यूटी ब्लेंडर लिया है। आप चाहे तो फिंगर की हेल्प से भी लगा सकते हैं, मैं यहाँ पे ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से लगाऊंगी। गाइस, सबसे पहले मैंने क्या किया था ना, ब्यूटी ब्लेंडर को थोड़ा सा पानी में सोक कर लिया था। इसके बाद मैं इसे यूज कर रही हूँ, आपको भी इसी तरीके से यूज करना है। इसके बाद हमें हल्के हाथों से अच्छे से इस क्रीम को लगा लेनी है पूरे स्किन पर। अब इसके बाद गाइस, मैं थोड़ा सा लिप पर ना वैसलीन लगा लेती हूँ। अब गाइस, इसके बाद मैंने यहाँ पे फेस पाउडर लिया है, मैं यहाँ पे ब्रश की हेल्प से अच्छे से लगा लूँगी। अब गाइस, मैं यहाँ पे आई मेकअप करूँगी। अब गाइस, मैं यहाँ पे आई शेडो लगा रही हूँ। गाइस, मैं बहुत ही लाइट शेड का, पिंक कलर का मैं यहाँ पे आई शेडो लगा रही हूँ। मैं ज़्यादा डार्क नहीं लगा रही हूँ, क्योंकि गाइस मैं यहाँ पे सिंपल मेकअप कर रही हूँ ना, तो मैं ज़्यादा डार्क आई शेडो यूज नहीं करूँगी। इसके बाद गाइस, मैं लगाऊँगी आई लाइनर। मैं गाइस आई लाइनर थोड़ा सा मैं यहाँ पे थिक लगाऊँगी। गाइस, आईलाइनर हमारा लग चुका है। अब मैंने जो पिंक कलर का थोड़ा सा आई शेडो लिया था ना, मैं थोड़ा सा नीचे एरिया में भी अच्छे से लगा लूंगी। इसके बाद गाइस, मैं यहाँ पे मस्कारा लगा रही हूँ। अब गाइस, मैं यहाँ पे काजल लगाऊंगी। तो गाइस, अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा आईब्रो को भी सेट कर लेती हूँ। मैंने यहाँ पे आईब्रो पेंसिल ली है ब्लैक वाली, मैं उससे अच्छे से आईब्रो को सेट कर लूँगी। इसके बाद गाइस, मैं यहाँ पे न्यूड सेट का मैं यहाँ पे लिपस्टिक लगाऊंगी। मैंने यहाँ पे ज़्यादा डार्क सेट लिपस्टिक नहीं चूज की है, मैंने यहाँ पे न्यूड सेट लिया है। और गाइस, मैं यही लिपस्टिक से मैं यहाँ पे ब्लशर लगाऊंगी। कैसे, अगर आपके पास ब्लशर ना हो तो बहुत ही अच्छी ट्रिक है, आप अपने लिपस्टिक से ही ब्लशर बना सकते हैं। तो गाइस, हमारा सिंपल सा मेकअप लुक रेडी हो चुका है, और आप देख सकते हैं कितना सिंपल और कितना अच्छा मेकअप लुक है। आई होप आप सबको पसंद आया होगा। तो गाइस, ये था मेरा सिंपल सा मेकअप लुक, आई होप आप सबको पसंद आया होगा। गाइस, अगर आपके पास ज़्यादा मेकअप का सामान ना हो, कंसीलर ना हो, फाउंडेशन ना हो, तो भी आप मेकअप कर सकते हो जैसे मैंने किया।
गाइस आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको मेरा मेकअप लुक कैसा लगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।